भारत के राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में सार्वजनिक यात्री परिवहन को रफ्तार देने, यात्रा को सुगम व सुखद बनाने का एक महत्वाकांक्षी प्रयास है रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम। यातायात का ये रेल आधारित आधुनिक साधन पारंपरिक क्षेत्रीय यातायात साधनों से बिल्कुल अलग होगा। इसकी मैक्सिमम स्पीड 160 किलोमीटर और औसत स्पीड 100 किलोमीटर प्रति घंटा की होगी, जो कि मेट्रो से 3 गुना तेज होगी। 2 से 3 घंटे लग जाते हैं मेरठ से दिल्ली आने में। मैं मेरठ से हफ्ते में 2-3 दिन डेली अप डाउन करता हूँ। मैं एक व्यापारी हूँ और ट्रेन के लेट लतीफी के कारण डेली अप डाउन करने में काफी समस्या हो रही है। इस कारण मैं टाइमिंग में सही से अपना व्यापार नहीं कर पाता हूँ और ना ही मैं समय से घर पहुँच पाता हूँ। इस रीजनल रेल के निर्माण से राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के 5 करोड़ से भी अधिक लोगों को अब अपनी यात्रा के लिए जद्दोजहद नहीं करनी पड़ेगी। साथ ही ये यात्रा का तेज, विश्वसनीय तथा आरामदायक आधारभूत साधन बनकर सतत व स्थायी आर्थिक विकास को गति प्रदान करेगा। RRTS के प्रोजेक्ट के पहले चरण में 3 कॉरिडोर बनने हैं, जिसमें दिल्ली गाजियाबाद मेरठ कॉरिडोर सबसे पहला है और उन पर निर्माण पूर्व कार्य आरंभ हो चुका है। इस कॉरिडोर की कुल लंबाई 82 किलोमीटर के करीब होगी, जिसमें लगभग 67 किलोमीटर एलिवेटेड और 15 किलोमीटर के करीब अंडरग्राउंड होगा। RRTS का दिल्ली मेरठ कॉरिडोर यात्रियों को नगरों के बाहर नहीं छोड़ेगा, बल्कि दिल्ली गाजियाबाद मुरादनगर मोदीनगर व मेरठ के बीचों बीच से होता हुआ नगरों के केंद्रों को जोड़कर यात्रा को सुगम बनाएगा। इस डेडिकेटेड रेल आधारित फास्ट ट्रैक कॉरिडोर पर स्टेशनों की औसतन दूरी 5 से 10 किलोमीटर की होगी तथा ट्रेन 5 से 10 मिनट के अंतराल पर उपलब्ध होंगी। ये स्मार्ट रेल दिल्ली में सराय काले खां से शुरू होकर न्यू अशोकनगर, आनंद विहार, साहिबाबाद, गाजियाबाद, गुलधर, दुहाई, मुरादनगर, मोदीनगर साउथ और मोदीनगर नॉर्थ से होते हुए मेरठ में मेरठ साउथ, शताब्दी नगर, बेगम पुल से गुजरकर मोदीपुरम स्टेशन तक जाएगी। इस रैपिड रेल के रख रखाव के लिए 2 डिपो भी बनाए जाएंगे। इनका संचालन सेंट्रलाइज्ड ऑपरेशन कंट्रोल से होने के कारण घने कोहरे एवं असामान्य मौसम में भी इन ट्रेनों के परिचालन में कोई बदलाव नहीं आएगा। जहां आमतौर पर एक 4 लेन के राजमार्ग के निर्माण के लिए करीब 40 मीटर चौड़ी भूमि पट्टी की आवश्यकता होती है, वहीं रीजनल रैपिड रेल दिल्ली मेरठ हाईवे के बीचों बीच दौड़ेगी, जिसके लिए मात्र 3 मीटर जगह घेरेगी। विश्व स्तरीय आधुनिकता से लैस रीजनल रैपिड रेल यात्रियों की सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए बनाई जा रही है। रीजनल रैपिड रेल पूरी तरह वातानुकूलित होगी। सीटिंग अरेंजमेंट एयरप्लेन के अनुसार किया जाएगा। सोलर ऊर्जा का अधिकतम उपयोग होगा। वहीं साथ ही सार्वजनिक यातायात के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए एक एग्जीक्यूटिव कोच की व्यवस्था भी होगी। महिला यात्रियों के लिए भी स्पेशल कोच का प्रावधान है एवं बुजुर्गों और दिव्यांगों के लिए भी अलग से सीट का प्रावधान होगा। इस रेल में सामान रखने के लिए उचित व्यवस्था भी की गई है। इस रीजनल रेल के कार्यान्वयन के बाद क्षेत्र में जन परिवहन का उपयोग बढ़ेगा। ये अनुमान लगाया गया है कि रोजाना औसतन 8 लाख यात्री रैपिड रेल के दिल्ली मेरठ कॉरिडोर पर यात्रा करेंगे। यात्रियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए स्टेशन पर CCTV कैमरे, नियंत्रण कक्ष और प्लेटफॉर्म स्क्रीन डोर एवं अन्य सुरक्षा संबंधी प्रावधान भी होंगे। सराय काले खां स्टेशन पर यात्रियों की सुविधा के लिए प्रवेश और निकास के लिए अलग अलग प्लेटफॉर्म बनाए जाएंगे और ट्रेन के दरवाजे दोनों ओर से खुलेंगे। सुविधा और सुरक्षा की सम्यक व्यवस्था यात्रियों को विश्व स्तरीय सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था उपलब्ध कराएगी। सरकार द्वारा मेरठ वासियों की स्थानीय आवागमन की आवश्यकताओं को समझते हुए एक अनूठी योजना का कार्यान्वयन किया जा रहा है। NCRTC RRTS के ट्रैक पर ही मेरठ में मेट्रो सुविधा भी देगी। इसको करने से न केवल नियमित आने जाने वालों को सुविधा होगी, बल्कि मेट्रो को रैपिड रेल के ट्रैक पर ही चलाने से सरकारी खजाने के भी लगभग 6300 करोड़ रुपए धनराशि की बचत होगी। RRTS फेज 1 के तहत दिल्ली मेरठ के साथ दिल्ली अलवर और दिल्ली पानीपत कॉरिडोर का निर्माण भी होगा, जिससे भविष्य में दिल्ली मेरठ, पानीपत व अलवर के इन कॉरिडोरों के नजदीक रहने वाले लोग रीजनल रेल के माध्यम से किसी भी स्टेशन से किसी भी स्टेशन तक बिना ट्रेन बदले सफर रफ्तार के साथ कर पाएंगे। रीजनल रैपिड रेल कॉरिडोर की एक और खास बात ये होगी
कि इसे यातायात के दूसरे साधनों के साथ भी निर्बाध रूप से जोड़ा जाएगा, जिनमें ISBT, रेलवे जंक्शन, एयरपोर्ट और मेट्रो के स्टेशन भी शामिल हैं। जैसे सराय कालेखां स्टेशन को हजरत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन, निजामुद्दीन मेट्रो स्टेशन, रिंग रोड तथा बस अड्डे के साथ इस तरह जोड़ा जाएगा कि यात्री एक साधन से दूसरे साधन तक आराम से बिना किसी असुविधा के जा सके। इसके लिए लिफ्ट्स, ट्रैवलेटर्स, वॉकवेज जैसी सभी सुविधाओं का उपयोग किया जाएगा। दिल्ली मेरठ कॉरिडोर के निर्माण से अनेक छोटे बड़े क्षेत्रीय केंद्र आपस में जुड़ेंगे, जिससे आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा, जिसके फलस्वरूप जॉब्स में बढ़ोतरी होगी तथा स्वास्थ्य, शिक्षा और व्यवसाय के क्षेत्र में भी नए अवसर देखने को मिलेंगे। साथ ही फ्यूल में बचत, सड़कों पर ट्रैफिक का कम होना, कार्बन उत्सर्जन में कमी और सबसे अहम, अपने परिवार के लिए काफी समय मिलेगा। इस कॉरिडोर से मिलने वाली गति से प्रगति होना बिल्कुल लाजमी है।